अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम तैयब एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ एग्रीमेंट। जूरिस्प्रूडेंस का हमारा टॉपिक है, हमने प्लेलिस्ट शुरू की है, ठीक है। तो जिसने जो है ना वो दूसरे लेक्चर्स नहीं देखे, वो यहाँ से जो है ना वो दूसरे लेक्चर्स भी चेक कर सकते हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। तो एग्रीमेंट्स के हवाले से हमारा टॉपिक है, ठीक है। एग्रीमेंट बेसिकली कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो टू एंड मोर देन टू पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और राइट्स एंड एब्लिगेशन जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं तो इट्स एन एग्रीमेंट, ठीक है। हम जो है ना वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो एक ही चीज़ समझते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो है ना एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो है ना वो एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या डिफरेंस है, ठीक है, और एग्रीमेंट किसको कहते हैं। और ज़्यादा जो है ना हमारा फोकस बेसिकली एग्रीमेंट पे होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी एग्रीमेंट पे है। लेकिन हम इसको डिफरेंस ज़रूर पढ़ेंगे कि बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो डिफरेंस का जो है ना वो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि एग्रीमेंट बेसिकली कहते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है टू या मोर देन टू पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज सिंपली अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो कि रिलेट कर रही है राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर, जो कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ना वो डिपेंड कर रही है उनकी पास्ट परफॉर्मेंस से या फ्यूचर परफॉर्मेंस से, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो है ना वो सेक्शन 2H जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एन एग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एक एग्रीमेंट हो और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट होता है ना उसमें सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है टू और मोर देन टू पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है। अब इसमें इसको हम और मज़ीद जो है ना वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो बात तो ये है कि इट्स अ क्रॉस रेफरेंस। ये जो एग्रीमेंट है इसके वाले से जो है ना वो बेसिकली सेक्शन 2E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा है, ठीक है। अगर हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो एग्रीमेंट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो या दो पर्सन के दरमियान या दो से ज़्यादा पर्सन के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है, जो कि रिलेट कर रही है राइट्स और ड्यूटीज़ के, ठीक है, रिगार्डिंग टू अ पास्ट और फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो है ना वो बेसिकली म्यूचुअल असेंट भी है, ठीक है। उन दोनों जो जिन दो पर्सन के दरमियान जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, उस उनके दरमियान जो है ना वो म्यूचुअल असेंट भी है कि वो इस चीज़ पर कंसर्न कर रहे हैं, अपने जो है ना वो माइंड प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि वो इस एग्रीमेंट्स को जो है ना वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये डेट सीजन अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। और अगर हम जो है ना वो सेक्शन 2E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक देखें तो एग्रीमेंट इज़ एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ठीक है, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। अगर कोई प्रॉमिस किया गया है या प्रॉमिस के ऊपर कोई प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, और जो प्रॉमिस जो है ना वो बेस करता है कंसीडरेशन के ऊपर, उसको जो है ना हम एग्रीमेंट कहते हैं। कंसीडरेशन बेसिकली ये होता है कि आप उसके बदले में कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम जो है ना वो नेक्स्ट इस कंसीडरेशन को जो है ना हम मज़ीद क्लियरली जो है ना डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम जो है ना डेफिनेशंस के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें एग्रीमेंट की, ठीक है, तो एग्रीमेंट्स बेसिकली जो है ना वो बेस करता है प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन के ऊपर, ठीक है। अब देखें, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये होती है कि एक पार्टी जो है ना वो प्रपोजल सेंड करती है बी पार्टी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए जो है ना वो बी को कहता है कि मैंने आपकी जो है ना वो कार बाय करनी है, ठीक है, और मैं इसके बदले में आपको जो है ना वो 50 लाख दूंगा, ठीक है। अब ए ने बी को जो है ना वो प्रपोजल भेजा है कि मैंने आपकी कार, वाइट वाली जो कार है, उसको बाय करना है और उसके बदले में मैं आपको 50 लाख दूंगा, ठीक है, और आप वो मुझे कार दे दें। अब बी क्या करता है, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल को, ठीक है। जब वो बी एक्सेप्टेंट कर लेता है, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और ए की नॉलेज में आ गया है कि जो ना बी ने जो है ना वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इट्स अ प्रॉमिस, तो वो जो है ना वो प्रॉमिस बन गया है। जब वो एक्सेप्टेंस जो है ना वो ए की नॉलेज में आ गई है कि ए बी ने जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर वो प्रपोजल बन जाएगा, ठीक है। अब प्लस कंसीडरेशन, अब कंसीडरेशन मैंने आपको क्या किया कि 50 लाख इज अ कंसीडरेशन, ठीक है। ए ने कहा कि मैं आपकी कार बाय करनी है, उसके बदले में जो आप उसको कोई चीज़ देते हो ना, डेट, उसको हम कंसीडरेशन कहते हैं, ठीक है। वो 50 लाख जिस तरह मैंने यहाँ पे 50 लाख की आपको एग्जाम्पल दी कि 50 लाख में वो कार बाय कर रहा है, ठीक है, तो 50 लाख इज़ अ कंसीडरेशन, ठीक है, तो तब वो जो है ना वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा, सही है, डेट इज़ एन एग्रीमेंट, सही है। अब ए कंसीडरेशन की तो आपको समझ लग रही है कि बदले में जो आप उसको दे रहे हो, ठीक है। अब कंसीडरेशन जो है ना वो कोई काम भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, आप उसको उसके बदले में कोई काम करके दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको जो है ना वो कार दे रहा है, ठीक है, उसके बदले में जो है ना वो आप उसका को बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो ना आप उसको कह देते हो कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, ठीक है, तो आप ये जो ना कार मुझे दे दें, ठीक है, मतलब समथिंग कुछ रिटर्न में उसको दे रहे हो, सही है, तो दैट्स इज अ कंसीडरेशन, सही है, यहाँ तक जो है ना वो एग्रीमेंट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब इसमें इन्फोर्सबिलिटी आएगी, ठीक है, जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर वो उसमें इन्फोर्सबिलिटी नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको जो है ना हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। आपने एक टर्म काफ़ी दफ़ा सुनी हो कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एग्रीमेंट से ही बन के जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है, फिर उसमें इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ होती है, फिर जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, सही है, हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होता है, फिर उसमें इन्फोर्सबिलिटी आती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन जो एग्रीमेंट होता है ना, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सही है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट जो है ना वो वैलिड एग्रीमेंट भी होते हैं, वाइडेबल एग्रीमेंट भी होते हैं, और जो है ना वाइड एग्रीमेंट भी होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट की तीन टाइप्स हैं जो कि हम जो है ना वो डिस्कस भी करेंगे इसमें। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं एग्रीमेंट्स के हवाले से कि ए इज़ अ पर्सन, ठीक है, बी के पास आया है, बी को कहता है कि जी मैंने आपका जो है ना वो सोसाइटी वाला जो प्लाट है ना वो रेंट पे लेना है, ठीक है। अब बी कहता है कि ठीक है मैं आपको वो रेंट पे दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ कंसिडरेशन चाहिए, ठीक है। ये पूछता है जी कितने पैसे चाहिए? मैंने आपको कहा ना कंसीडरेशन मींस कि समथिंग रिटर्न्स, ठीक है, आप जो उसको पैसे दे रहे हो, जो रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, उसको ही हम कंसीडरेशन कहते हैं। ए कहता है कि जी आप कितने का रेंट देंगे, कितने पे जो है ना अपना घर रेंट देंगे। बी कहता है कि जी मैं आपको जो है ना वो 30,000 पे जो है ना ये घर जो है ना अपना सोसाइटी वाला वो रेंट पे दे दूंगा, ठीक है। अब जो 30,000 इन्होंने अमाउंट सेट किया ना डैट इज़ अ कंसीडरेशन, ठीक है। बी ए जो है ना वो मान जाता है, ठीक है, तो ठीक है जी आप 30,000 पे जो है ना वो सोसाइटी वाला जो अपना घर है वो मुझे रेंट दे दें, ठीक है। तो डेट्स इज़ एन एग्रीमेंट, ये इनके दरमियान जो है ना वो एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब ये रेंटल एग्रीमेंट जो है ना वो ए जो है ना वो रेंटल एग्रीमेंट साइन करने के लिए जा रहा है बी के पास, और बी ने जो है ना उसको साइन कर दिया, डेट्स इज़ एन रेंटल एग्रीमेंट। तो ये बेसिकली जो है ना हमने एक एग्रीमेंट की जो है ना वो इलस्ट्रेशन इजीली समझ लिया, ठीक है, कि एग्रीमेंट में एक पार्टी जो है ना वो दूसरी पार्टी को प्रपोजल भी देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, कंसीडरेशन होता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है एग्रीमेंट एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके अगर हम एसेंशियल देखें एक वैलिड एग्रीमेंट के, ठीक है, वैलिड एग्रीमेंट मीन कि जिसको आप जो है ना वो कोर्ट में सू कर सकते हैं जिसके वाले से, ठीक है। अगर कोई बंदा आपका एग्रीमेंट पूरा नहीं करता, ठीक है, तो आप उसको कोर्ट में जो है ना वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपने प्रपोजल भेजा हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी ए की कि ए ने बी को प्रपोजल भेजा कि मैंने आपकी वाइट वाली कार खरीदनी है, ठीक है। उसने जब प्रपोजल भेजा बी के पास, वो चला गया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ए के नॉलेज में आ गया कि बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। 50 लाख की जो है ना वो कार पे जो है ना उसने वो एग्री हो गया कि मैं आपको 50 लाख की वो कार जो है ना वो दे दूंगा, ठीक है। अब थर्ड चीज़ जो इसमें आती है वो ये होती है कि प्लुरलिटी ऑफ पार्टी होना चाहिए, ठीक है। प्लुरलिटी मींस कि हमेशा दो पर्सन जो है ना वो एग्रीमेंट कर सकते हैं, कभी भी सिंगल पर्सन एग्रीमेंट नहीं कर सकता, एक बंदा अपने साथ ही एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। हमेशा जो है ना दो पर्सन होते हैं, दो पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन, ठीक है, वो ही एग्रीमेंट कर सकते हैं, कभी भी सिंगल पर्सन जो है ना वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद कैपेसिटी एंड पार्टीज़, ठीक है, एसेंशियल एक ये भी है कि बेसिकली जो दो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं वो जो है ना वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए एग्रीमेंट के लिए। कॉम्पिटेंट किस तरह होनी चाहिए कि सबसे पहले तो वो मेजर होनी चाहिए, ठीक है। अब मेजर की जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि 18+ होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है। जब वो एग्रीमेंट कर रही हैं तो वो दोनों पार्टी जो है ना वो साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट पे एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे एग्रीमेंट ना हो रहा हो। अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट जो है ना वो वाइड डिक्लेयर होगा और उसको आप जो है ना वो कोर्ट में सू नहीं कर सकते, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन कि जैसे कि मैंने कार की आपको एग्जाम्पल दी, घर की आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है, किसी बाइक की एग्जाम्पल ले लें आप, या किसी भी और चीज़ की एग्जांपल जो लॉफुली ऑब्जेक्ट है उसकी आप एग्जांपल। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन कि आप किसी जो है ना वो नारकोटिक्स किसी चीज़ की आप जो है ना वो स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेपन किसी गलत वे से जो है ना वो आप बाय कर रहे हैं तो डेट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको आप सू नहीं कर सकते। इन्फोर्सबिलिटी, ठीक है, जब एक जो है ना वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है तो दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है ना ऑब्लिगेशंस जो है ना क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो अगर कोई पार्टी जो है ना उसको वायलेट करती है तो वो उसको सू कर सकती है कोर्ट में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एक चीज़ पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा कि एक वैलिड एग्रीमेंट कैसे बनता है, ठीक है, वैलिड और लीगल एग्रीमेंट कैसे बनता है, सही है। ये चीज़ जो है ना हमने इसमें अभी डिस्कस की। उसके बाद ये होता है कि कब लीगल एफिशिएंसी जो है ना वो उसके वाले से डिस्कस किया गया कि बेसिकली जो है ना वो एग्रीमेंट्स की कौन सी टाइप्स है, ठीक है। देखिए मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि तीन तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, एक वैलिड एग्रीमेंट, ठीक है, एक वाइडेबल एग्रीमेंट और एक जो है ना वो वाइड एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको हम इनवैलिड एग्रीमेंट भी कहते हैं। वैलिड एग्रीमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो वैलिड एग्रीमेंट में होनी चाहिए तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट कल आएगा, ठीक है, जो हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं, ठीक है। वही चीज़ें इसमें भी लिखी हैं कि दो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, आपस में क्लियरेंस, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्लियरली चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक ए पर्सन ने जो है ना वो बी को प्रपोजल सेंड किया कि मुझे वो आपकी वाइट वाली कार जो है ना वो 50 लाख में चाहिए, ठीक है, तो डेट सीजन जो है ना वो क्लियरली उसने बता दिया कि वो वाइट वाली ही कार चाहिए मुझे, ठीक है। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज़ वो कार की जो मैंने आपको एग्जांपल दी। कंसीडरेशन होनी चाहिए, ठीक है, 50 लाख के वाले से मैंने आपको बता दिया कि 50 लाख इज़ अ कंसीडरेशन। तो ये बेसिकली एक वैलिड एग्रीमेंट्स के वाले से जो है ना वो लिखा गया है, ठीक है, कि वैलिड एग्रीमेंट जो है ना वो किन चीज़ों पर बेस करता है, ठीक है। अब जो है ना वाइड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वाइड एग्रीमेंट्स मीन कि या तो वो एग्रीमेंट जो है ना वो फ्रॉड पे किया गया है, ठीक है, या तो वो एग्रीमेंट जो है ना वो किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे किया गया है, ठीक है, तो दैट्स इज़ अ वाइड एग्रीमेंट, ठीक है। अब फ्रॉड पे कैसे किया गया, देखिए फ्रॉड में सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो फ्रॉड में जो है ना वो इंटेंशन देखी जाती है, ठीक है, कि उस पर्सन की इंटेंशन क्या थी। वही कार वाली हम एग्जांपल ले लें कि ए ने बी को प्रपोजल सेंड किया कि आपकी जो वाइट वाली कार है ना वो जो है ना मुझे 50 लाख में चाहिए, ठीक है। अब बी जो है ना वो देखता है कि वाइट वाली जो उसकी कार थी वो तो है ही 35 लाख की, क्योंकि उसमें जो उसके जो टायर्स हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, बैटरी वगैरह और बहुत सी चीज़ें जो है ना उसकी डैमेज हो चुकी हैं। तो अब उसकी इतनी प्राइस नहीं है जितने में ये जो पर्सन है मुझे जो है ना वो प्रपोजल भेज रहा है, जितने का ये प्रपोजल भेज रहा है, ठीक है। अब बी सब कुछ जानते बूझते भी उसके साथ जो है एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आपको जो है ना वो 50 लाख की जो है ना गाड़ी वो देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब बी तो सब कुछ जानता था कि वो 50 लाख की उसकी प्राइस नहीं है, ठीक है, लेकिन ए ने जो उसके वाले से सुना था गाड़ी के वाले से, या उसने जो है ना वो 5-6 माह पहले जो गाड़ी की हालत देखी थी उसने तो उसके मुताबिक जो है ना वो एग्रीमेंट भेजा था, ठीक है। तो अब बी जो है वो बेसिकली फ्रॉड कर रहा है ए से, ठीक है, तो दैट्स इज़ अ वाइड एग्रीमेंट, सही है, ये क्लियरली वाइड है क्योंकि बी की इंटेंशन क्या है, ए को फ्रॉड करने की इंटेंशन है, ठीक है, बी सब कुछ जानते बूझते भी उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा सर्कमस्टांस ये हो देते हैं कि किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इलीगल वेपन पे जो है ना वहाँ पे एग्रीमेंट कर रहे हो, सही है, या आप किसी जो है ना वो नारकोटिक्स कोई ऐसी चीज़ पे एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि किसी भी स्टेट ने जो है ना वो उसको इलीगल डिक्लेयर किया है, ठीक है, या आप इस तरह एग्रीमेंट कर देते हो कि आप ए और बी जो है ना वो एग्रीमेंट करते हैं कि तुम जो है ना जाओ और जी का कत्ल करो और मैं तुम्हें जो है ना वो 1 करोड़ दे दूँगा, ठीक है, तो दैट्स इज़ अ वाइड एग्रीमेंट, सही है, ये भी जो है ना वो वाइड एग्रीमेंट है कि आप किसी जो है ना वो ऐसी काम के वाले से जो है ना वो एग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि इलीगल है। और वाइडेबल एग्रीमेंट्स बेसिकली ये होता है कि वो जो है ना वो एक पार्टी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कि अगर वो पार्टी चाहे तो उसको परफॉर्म कर दे, अगर वो पार्टी ना चाहे तो वो उसको नहीं परफॉर्म कर सकती। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी अभी कार वाली, फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को जो है ना वो प्रपोजल भेजा है कि आपकी जो वाइट वाली कार है ना वो मुझे चाहिए, ठीक है, और उसके बदले में मैं आपको 50 लाख दूंगा। अब बी को नहीं पता कि उसकी जो है ना वो कार की हालत क्या हुई है, क्योंकि वो पिछले 5-6 माह से जो है ना वो उसकी गाड़ी जो है वो गराज में पड़ी थी, ठीक है। अब बी को नहीं पता, बी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसकी गाड़ी की हालत क्या है, ठीक है, लेकिन बी जो है ना वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। बी कहता है कि मेरी तो वैसे भी गाड़ी जो है ना गराज में पड़ी है तो क्यों ना मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, वो 50 लाख की। अब जब वो ए जो है ना वो गाड़ी लेने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी तो वो हालत है ही नहीं जितना उसने पे किया है, ठीक है, तो वो फिर ए पे डिपेंड करता है कि अगर ए जो है वो एग्रीमेंट परफॉर्म करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है, अगर वो उस एग्रीमेंट को वहीं पे जो है ना वो टर्मिनेट करना चाहे या उससे अपने पैसे वापस लेना चाहे तो वो ए पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वाइडेबल एग्रीमेंट्स में बेसिकली ये होता है कि एक पार्टी जो है ना वो उस पे जो है ना सारी चीज़ें जो है ना डिपेंड कर रही होती है। अगर वो उसको परफॉर्म करना चाहे तो वो कर सकती है, अगर वो उसको जो है ना कैंसिल करना चाहे तो वो एग्रीमेंट्स को जो है ना वो कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी जो है ना आपको गाड़ी की एग्जाम्पल दी, तो ये सिर्फ एक पार्टी पर डिपेंड होता है। ये बेसिकली जो है ना वाइडेबल एग्रीमेंट होता है। वाइडेबल एग्रीमेंट जो है ना वो परफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन जो वाइड एग्रीमेंट है ना वो तो वाइड ही रहता है। ठीक है, वाइडेबल एग्रीमेंट जो है ना वो उसको हम वैलिड एग्रीमेंट की तरफ भी जो ना कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो वो पार्टी पे डिपेंड करता है कि जिस पार्टी का नुकसान हो रहा है वो उसको वैलिड एग्रीमेंट भी बना सकती है, वो पार्टी जो है ना उस एग्रीमेंट को ख़त्म भी कर सकती है, वो एक ही पार्टी पे जो है ना वो डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स इज़ अ वाइडेबल एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बेसिकली वो यही हैं कि जो है ना प्लूरलिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए। मैं जैसे कि पहले कहा कि दो पर्सन के दरमियान ही हमेशा एग्रीमेंट होता है, किसी कभी भी एक पर्सन के दरमियान जो है ना एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, वन पर्सन कैन नॉट एंटर इन एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। एक पर्सन किसी अपने साथ ही कैसे एग्रीमेंट कर सकता है। उसके बाद मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब जो दोनों जो पार्टीज हैं वो दोनों एक दूसरे के प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पे जो है ना रजामंद हो। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने आपस में तय किया है उस दोनों जो पार्टीज़ हैं वो उनके ऊपर जो है ना वो रजामंद हो। जैसे कि मैंने आपको कार की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे भी ये लिखा है, क्लियरली डिफाइन है कि ये जो है ना वो प्रॉमिस करता है कि वो जो है ना सेल करेगा कार बी को, ठीक है, 3 लाख में। तो अब जो है ना 3 लाख इनके दरमियान कॉन्सिडरेशन हो गया। ठीक है, ये कॉन्सिडरेशन हो गया कि 3 लाख में जो है ना वो उसको सेल करेगा। ठीक है, अब जो है ना इसमें दोनों पार्टीज़ ने जो है ना आपस में कंसेंसस ऑफ माइंड भी हो गया, प्लुरलिस्ट पार्टीज़ भी थी, तो इनके दरमियान जो है ना एक एग्रीमेंट बेसिकली क्रिएट हो गया। अब जो है ना वो ए ने चूँकि प्रॉमिस किया है कि कार जो है ना वो 3 लाख में सेल करेगा बी को, तो अब जो है बी जो उसको 3 लाख रुपया दे देगा, तो ए जो है ना वो बाउंड है कि वो उसको जो है ना वो अब कार की पोजेसन जो है ना वो बी के वाले कर दे। उसके बाद इनवैलिड एग्रीमेंट कब होते हैं, ठीक है, कब जो है ना एग्रीमेंट जो है ना वाइड और वाइडेबल होते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि इनकैपेसिटी ऑफ अदर पार्टीज़, अगर दोनों में से एक पार्टी जो है ना वो इनकेपेबल है परफॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट, और फिर भी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया था किसी चीज़ पे, और बी जो है ना वो पागल है, ठीक है, तो तब भी जो है ना वो एक इनवैलिड जो है ना एग्रीमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, या बी जो है ना वो माइनर है, एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तब भी जो है ना वो एग्रीमेंट जो है ना वो इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद इलीगैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ना वो इलीगल है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा था कि किसी वेपन को आप जो है ना वो बाय कर रहे हो, ठीक है, या बाय या सेल कर रहे हो, या किसी वेपन के ऊपर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो इलीगल ऑब्जेक्ट है। किसी नारकोटिक्स चीज़ के ऊपर जो है ना वो आप जो है ना वो एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, चर्च वगैरह हो सकती है, क्योंकि चर्च तो बैन है पाकिस्तान में, तो ये बेसिकली जो है ना वो इलीगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनफॉर्मेलिटी के ऊपर वो ऐसी चीज़ें जो कि फॉर्मेलिटी से बेस नहीं करती। ठीक है, आपने जो एग्रीमेंट्स किया था उसको रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखा, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुई, सिर्फ ऐसे ही जो है ना आपने जाके एक बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसने हाँ कर दिया, आपने भी हाँ कर दिया, वो ठीक है जी, चले गए आप कोर्ट में। ठीक है, तो फिर ज़्यादातर इन केसेस में ये होता है कि फिर जो है ना कोर्ट दोनों पार्टीज़ पे फाइन कर देती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन, कोई कंसीडरेशन नहीं है, ऐसे ही जो है ना आपने एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो कंसीडरेशन के बगैर तो एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, कंसीडरेशन मीन के वो पैसे की शक्ल में भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ए बी को जो है ना वो कह रहा है कि आप मेरी जो है ना मैं आपकी गाड़ी लेना चाहता हूँ वाइट कलर वाली, ठीक है, उसके बदले मैं 50 लाख दूंगा, तो 50 लाख इज़ अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बगैर तो जो है ना वो एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए, मतलब कि दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये होता है कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि ए ने बी को कहा कि मैं आपकी गाड़ी लेना चाहता हूँ, ठीक है, अब बी ने वो गाड़ी खड़ी की थी 4-5 माह से गराज में, ठीक है, बी को भी नहीं पता कि उस गाड़ी की हालत क्या है, ठीक है, लेकिन बी उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है, तो दैट इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है क्योंकि बी खुद भी नहीं था जानता कि उस गाड़ी की हालत क्या है, लेकिन उसने फिर भी 50 लाख में उसको उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, दैट इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और अगर बी जानता था कि उसकी जो गाड़ी की हालत है वो 50 लाख वाली नहीं है, उस गाड़ी की हालत जो है ना वो मैक्सिमम भी जो उसका मार्केट रेट लगेगा वो 30 से 35 लाख लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बी ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो डैट इज़ अ फ्रॉड। ठीक है, अब बी की इंटेंशन थी, ठीक है, बी की इंटेंशन थी कि इस फ्रॉडलेंटली इंटेंशन थी, तो बेसिकली जो ना ये चीज़ें इंटेंशन पे बेस करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें वाइड एग्रीमेंट्स का वाइडेबल एग्रीमेंट्स का, ठीक है, वाइड एग्रीमेंट तो बेसिकली होता ही वाइड है, ठीक है, वो तो परफॉर्म नहीं हो सकता। वो वाइडेबल एग्रीमेंट जो है ना वो बेसिकली एक पार्टी इस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, जिस पार्टी का नुकसान हो रहा होता है उस पार्टी पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर वो उसको वैलिड एग्रीमेंट बनाना चाहती है तो वो वैलिड एग्रीमेंट भी बना सकती है, अगर उसको कैंसिल करना चाहती है तो वो कैंसिल भी कर सकती है। इन्फोर्सबिलिटी, वाइड एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं होता, वाइडेबल एग्रीमेंट जैसे कि मैंने पहले कहा है कि एक पार्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिस पार्टी का नुकसान हो रहा था। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि ए बी के पास प्रपोजल लेके गया कि मुझे आपकी कार चाहिए, ठीक है, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है। जब वो कार लेने के लिए जाता है ना ए, वो देखता है कि उसकी वो हालत नहीं रही जो कि 4-5 माह पहले थी, ठीक है, गराज में पड़ी पड़ी वो तो बहुत सी उसकी जो है ना हालत जो है ना वो ख़राब हो गई है, ठीक है। तो वो ए पे डिपेंड करता है कि वो कार बाय करे, ठीक है, या उसको उस एग्रीमेंट को वहीं पे जो है ना वो कैंसिल कर दे, ठीक है। तो ये ए पे डिपेंड करता है। लीगल राइट्स वाइड एग्रीमेंट में लीगल राइट्स नहीं होते, ठीक है, और जो है ना वो वाइडेबल एग्रीमेंट्स में जो है ना वो लीगल राइट्स डिपेंड कर रहे होता है जिसका नुकसान हो रहा था, ठीक है। इसी को एग्जांपल को कार वाली एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब लीगल राइट्स जो है ना वो बेसिकली ए के जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ए चाहे तो वो बाय कर सकते हैं, कार को लेके जा सकते हैं, अगर वो चाहे तो वहीं पे कैंसिल कर दे। ऑब्लिगेशंस, वाइड एग्रीमेंट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, जो वाइडेबल एग्रीमेंट्स है ना वो ऑब्लिगेशन जो है ना वो डिपेंड कर रही होती हैं पार्टीज़ पे। उसके बाद परफॉर्मेंस के वाले से है, ठीक है, दे कैन नॉट बी परफॉर्म अंडर द लॉ ऑफ कंट्री, ये तो परफॉर्म नहीं हो सकता, वाइड एग्रीमेंट्स क्योंकि होता ही वाइड है, वो तो परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। वाइडेबल एग्रीमेंट्स जो है ना वो डिपेंड करता है पार्टीज़ पे, जैसे कि मैंने कार की एग्जाम्पल दी थी आपको। अब वो ए पार्टी पे डिपेंड कर रहा है कि वो बाय कर ले, ठीक है, कार ले कर चली जाए और 50 लाख दे दे, ठीक है, या उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट कर ले, ठीक है, वो अब ए पार्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ए ने कह दिया है कि ये तो अब उसकी इतनी प्राइस नहीं है, ठीक है, तो जो मार्केट वैल्यू है मैं उसके मुताबिक आपको पैसे दे देता हूँ, तो आप जो है ना वो कार मुझे दे दे, ठीक है। तो वो फिर अगर वो आपस में फिर से कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो पहले वाला एग्रीमेंट जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाला एग्रीमेंट जो है ना वो फिर उसको जो है ना फोर्स करवाया जाएगा, ठीक है, वो फिर दूसरे वाला जो एग्रीमेंट है ना उसको जो है ना परफॉर्म करवाया जाएगा। उसके बाद कंपनसेशन के वाले से है, ठीक है, वाइड एग्रीमेंट में नो कंपनसेशन, ठीक है, जो है ना वो वाइडेबल एग्रीमेंट्स में जो है ना वो जिसका नुकसान हुआ है वो पार्टी जो है ना वो कंपनसेशन जो है ना डिमांड कर सकती है। ये बेसिकली जो है ना वो एग्रीमेंट्स के वाले से हमारा टॉपिक था, ठीक है। एग्रीमेंट्स इज़ अ म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टीज़, ठीक है, 2 या 2 से भी ज़्यादा जो है ना वो पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट म्यूचुअल जो है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना वो वैलिड एग्रीमेंट्स के वाले से पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट्स की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स में यही फ़र्क होता है कि बेसिकली जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो एग्रीमेंट प्लस इंफोर्सबिलिटी पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। एग्रीमेंट जो होता है ना वो बेसिकली वैलिड भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, वाइडेबल भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो या तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक पार्टी पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसको परफॉर्म करना चाहे, ठीक है, या उसको जो है ना वो कैंसिल कर दे, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो वैलिड ही होता है, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो असेंशियल होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो ये होता है कि इन्फोर्सबिलिटी, जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सबिलिटी के काबिल ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, परफॉर्म होने के बाद जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड जो है ना वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डिक्लेयर हो जाए तो फिर हो सकता है, ठीक है। शुरू से ही जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं हो सकता, वो फिर एग्रीमेंट होगा, ठीक है, अगर वो वाइड होगा तो वो फिर वाइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। वो इस वजह से ये हो सकता है कि जो है ना फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्शन से जो है ना आपने किसी के साथ जो है ना कोई एग्रीमेंट किया है तो वो फिर जो है ना वो एग्रीमेंट होगा, ठीक है, डेट उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे वाइड होता है वो इस वजह से होता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया के किसी जो है ना वो इंडिविजुअल्स ने आपस में को कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस आपने देखे होंगे जाते हैं इंडिया में और इंडिया के एक्ट्रेस आते हैं पाकिस्तान में काम करने, तो इन्होंने समझ लें कोई एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अब इनका एग्रीमेंट हुआ है और ड्यूरिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना आपस में वार शुरू हो जाती है, तो जो उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा वो सीज टू बी परफॉर्म, ठीक है, वो रुक जाएगा, ठीक है, दैट इज़ अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वाइड हो सकता है क्योंकि पहले उन्होंने अब दोनों पार्टीज़ की यही इंटेंशन थी कि वो परफॉर्म करेंगी, लेकिन एक्ट ऑफ स्टेट्स के किसी एक्ट की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है, ठीक है। वैसे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो यहाँ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसके वाले से कोई क्वेश्चन और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में यार, अल्लाह हाफिज़।